एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है इस चोकोलिंगो लेक्चर सीरीज में। इसलिए अब प्रोफेसर पांडे सर से अनुरोध है कि आप आएं और अपने शेष भाग को पूर्ण करें। अब तक हम लोगों ने एनालिटिकल फिलोसफी का एक फाउंडेशन देखा कि एनालिसिस क्या होती है और एनालिसिस को विभिन्न फिलोसोफर्स किस रूप में स्वीकार करते हैं। और हम लोगों ने देखा कि जो एनालिसिस मूर के दर्शन में है वो रसिल की फिलोसफी में नहीं है। जो रसिल का एनालिसिस है उससे बहुत डिफर करता है विटगेंस्टाइन का एनालिसिस। लेकिन एनालिटिकल फिलोसफी का एक दूसरा फेज शुरू होता है। रिचर्ड रॉटी का एक पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक टर्म, और उसमें रॉटी लिखता है कि फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम्स विच कैन बी सॉल्व आइदर बाय मॉडिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज और बाय और टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट लैंग्वेज एंड द फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू आइडियल लैंग्वेज फिलोसफी एंड द सेकेंड पार्ट is closely connected to ordinary language philosophy. It means that analytical philosophy developed in two different ways. One is developed by Moore, Russell and early Wittgenstein, and other phase, later phase, was developed by Wittgenstein especially. जब विटगेंस्टाइन ने ट्रैक्टेटस लिख लिया तो फिलोसफी को छोड़ दिया, ही लेफ्ट फिलोसफी और कहा कि व्हाट एवर प्रॉब्लम्स आर एसेंशियल इन फिलोसफी आई हैव फाइनली सॉल्व, जो दार्शनिक समस्याएं थी उनका मैंने अंतिम रूप से समाधान कर दिया है, मुझे अब यहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मन मालकम ने लिखा कि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया था, तो जैसे इंजीनियर होते हैं कि नाली में यदि रबिश है तो उसको साफ कर देते हैं और साफ करके वहां से चले जाते हैं। इन द सेम पैटर्न विटगेंस्टाइन वाज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो दैट ही थॉट after solution of all problems in philosophy there is no need to stay here and he left philosophy, kaha sari samasyaen khatam ho gayi ab rah ke main kya karunga। bachcho 1900 aisa nahi ki bilkul alag ho gaya, wo beech beech mein interaction karta raha aur khas taur par austria mein hi ap ramje aur rb breathwaite ke sath uska sambad hota tha। वीना में मारिश्लिक और एफ वैश्मान थे, उनके साथ भी इसका संवाद होता रहा। बट विटगेंस्टाइन हिमसेल्फ रोट दैट विद द डिस्कशन ऑफ पाइरा सफा आई फेल्ट दैट आई एम सच ए ट्री वेयर ऑल ब्रांचेज हैड बीन कट। वो लिखता है कि जब पाइरा सफा के साथ मेरा डिस्कशन हुआ तो डिस्कशन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ऐसे पेड़ के समान हूं जिसकी सारी डालियां और पत्ते कट चुके हैं, एक कोट पेड़ भोजपुरी में कहा जाता है, कोट पेड़ जिसमें कोई ब्रांच नहीं होता है। 1928 में विटगेंस्टाइन ब्राउअर का एक लेक्चर सुना फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स पर, एंड ही वाज सो फैसिनेटेड बाय दिस लेक्चर that Wittgenstein decided to again come in Cambridge
एंड इन 1929 विटगेंस्टाइन रिटर्न टू कैम्ब्रिज अगेन एंड सबमिटेड हिज बुक ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस विच वाज पब्लिश्ड इन 1921 फॉर पीएचडी डिग्री. पीएचडी डिग्री के लिए अपनी ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस को प्रेजेंट किया, उसके साथ एक रिमार्क लगाया, एक 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 नोट लगाया, और नोट था सम रिमार्क्स ऑन लॉजिकल फॉर्म, जो अपनी फेलोशिप के लिए उसने आर्टिकल लिखा था. तो ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस के साथ अपने नोट को लगा करके और पीएचडी वाइवा के लिए, पीएचडी के लिए सबमिट किया. विटगेंस्टाइन और बर्टन रसेल दे आर एक्सपर्ट ऑफ वाइवा बोसी. दे आस्क सेवरल क्वेश्चंस. विटगेंस्टाइन डिड नॉट रिप्लाई इवन ए सिंगल क्वेश्चन आस्क बाय मूर एंड बर्टन रसेल. वाइवा बोसी जब बेटे आयोजित किया गया तो उस आयोजन में विटगेंस्टाइन से प्रश्न पूछा गया और विटगेंस्टाइन ने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया. वाइवा बोसी वॉज पोस्टपोन्ड एट द टाइम फॉर ए डे. और ये सोचा गया कि इतना रिनाउंड स्कॉलर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है. नेक्स्ट डे फिर वाइवा बोसी, आज तो होता तो जो एक्सपर्ट होते वो रिजेक्ट कर देते थीसिस, अब यहां से गधे कहीं का से नकल कर लिया है. मूल उसकी पोटेंसी को जानते थे. नेक्स्ट डे अगेन वाइवा बोसी वॉज ऑर्गेनाइज्ड. एन एक्सपर्ट डिड नॉट आस्क इवन ए सिंगल क्वेश्चन टू विटगेंस्टाइन. दे सिंपली से प्लीज टेल मी वट एवर यू रोट इन दिस बुक. वाइवा बोसी आयोजित नहीं हुआ, उससे कहा गया कि बताओ कि तुम लिखे क्या हो इसमें. एंड देन ही स्टार्टेड टू नरेट व्हाट एवर ही रोट इन ट्रैक्टेटस. और आपको पता होगा कि 3-4 घंटे नॉन स्टॉप विटगेंस्टाइन बोलता रह गया. विटगेंस्टाइन जब लेक्चर देने जाता था तो कभी लेक्चर नोट तैयार नहीं करता था, कहता था कि मैं लेक्चर नोट तैयार कर लूंगा तो मैं उससे कन्फाइंड हो जाऊंगा, बध जाऊंगा. वो डायरेक्ट जाता था क्लास में और डायरेक्ट लेक्चर डिलीवर करता था किसी लिमिटेशंस के. जब वाइवा बोसी होती है तो उस समय मूर लिखता है कि एट दैट टाइम वाइवा बोसी डिड नॉट, विटगेंस्टाइन डिड नॉट चेंज हिज पोजिशन. ही ट्राइंग टू सब्स्टिट्यूट हिज पोजिशन व्हाट एवर ही फॉर्मुलेटेड इन ट्रैक्टेटस. वो उसी बात को करता रहा. लेकिन आप जानते ही हैं कि विटगेंस्टाइन अल्टीमेटली 1933-29 ऑनवर्ड वो लेक्चर अपॉइंट होता है और लेक्चर डिलीवर करता है. और लेक्चर डिलीवर करता है ये वाइसमान लिखता है जीएच वॉन राइट बायोग्राफिकल स्केच में. दे वाज एंसेस्टर ऑफ ट्रैक्टेटस बट दे वाज नो एंसेस्टर ऑफ फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशंस. This was the contribution of Wittgenstein. 1929 के बाद बेटे जो विटगेंस्टाइन ने काम किया वो he himself reputed his earlier positions. And now he told that nature held us captive. फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स देखिए ट्रैक्टेटस में सर्टेनिटी की बात करता रहा और ये जितना एनालिसिस था वो सब सर्टेनिटी को लेकर के चला कि हमें सर्टेन और डिफिनिट मीनिंग चाहिए किसी वर्ल्ड के लिए. लेकिन जब 1929 के बाद विटगेंस्टाइन आया तो उसने कहा कि देर इज नो सर्टेन एंड डिफिनिट मीनिंग ऑफ एनी वर्ल्ड. सर्टेनिटी की खोज करना गलत है. क्यों? अब ट्रैक्टेटर्स और इन्वेस्टिगेशंस में दोनों लेटर और अर्ली फेज और लेटर फेज में बहुत सारी समानताएं हैं. लेकिन अब यहां जो न्यू लेवल एनालिसिस की बात किया था विटगेंस्टाइन, उस न्यू लेवल एनालिसिस को रिजेक्ट करके सेम लेवल एनालिसिस पर आ गया और कहता है देखिए इधर देखिए, जहां प्रॉब्लम होती है वही उसका समाधान होना चाहिए.
If problem is at the level of ordinary language, then its solution must be at ordinary language. It should not be at different levels. इसीलिए ordinary language के स्तर पर समस्या है तो उसी स्तर पर समाधान. एक डॉक्टर थे, एक बच्चे के पैर में फोड़ा हुआ था तो ऑपरेशन थिएटर में ले गए फोड़ा का ऑपरेशन करने के लिए. शुरू किया तो लड़का चिल्लाने लगा, अरे बाप रे बाप, चुप, सुआ लगा दूंगा मोटा बोला. फिर चिल्लाने लगा, अबे लगाओ उसको सुआ. चुप हो गया. जब ऑपरेशन कर लिए तब लड़के से पूछे क्यों चिल्ला रहे थे बताओ. कहा डॉक्टर साहब मैं चिल्ला इसलिए रहा था कि आप ऑपरेशन दाहिने पैर का कर रहे थे, फोड़ा बाएं पैर था, ऑपरेशन गलत हो रहा था. देखिए यदि बाएं पैर में फोड़ा है तो ऑपरेशन बाएं पैर में होना चाहिए. एट द लेवल ऑफ आइडियल लैंग्वेज देयर इज नो प्रॉब्लम. प्रॉब्लम कंसिस्ट at the level of ordinary language, and therefore its solution must be in ordinary language. इसीलिए अब विटगेंस्टाइन एक नए थ्योरम के साथ आता है और कहता है कि there is no problem of certainty of meaning in philosophy. As a matter of fact, philosophical, देखिए पहले क्या कहता है कि all philosophy is the critique of language, Tractatus. अब कहता है कि philosophical problems arise when language goes on holidays. दार्शनिक समस्याएं तब पैदा होती है जब भाषा छुट्टी पर होती है. What do you mean by language goes on holidays? Holidays का मतलब ये होता है कि if you consider language independent from context, independent from fact, independent from its applications, then you invite problems. यदि आप किसी शब्द के अर्थ को संदर्भ से अलग करके विचार करें तब समस्याएं पैदा होती है, और यदि संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. इसलिए विट्गेंस्टाइन कहता है कि फिलोसफी इज अ बैटल अगेंस्ट बिविचमेंट ऑफ इंटेलेक्ट बाय मींस ऑफ लैंग्वेज. फिलोसफी भाषा के माध्यम से बुद्धि के सम्मोहन के विरुद्ध एक युद्ध है. Enrichment of intellect, बुद्धि के सम्मोहन के विरुद्ध एक युद्ध है. और इसलिए विट्गेंस्टाइन कहता है कि डोंट थिंक बट लुक, सोचो मत देखो. किसको देखो? कौन बोल रहा है भैया? डोंट थिंक बट लुक, सोचो मत देखो. लेकिन किसको देखो? तब विट्गेंस्टाइन लिखता है कि डोंट लुक फॉर मीनिंग, लुक फॉर इट्स एप्लीकेशंस, यूजेस. देयर इज नो सर्टेन एंड डेफिनेट मीनिंग ऑफ एनी वर्ड. द मीनिंग रियली यू कैन अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट सिचुएशंस, सो देयर इज नो सर्टेन एंड डेफिनेट मीनिंग ऑफ एनी वर्ड. विट्गेंस्टाइन कहता है कि भाषा का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है. देखिए ट्रैक्टेटस में पूरा का पूरा एनालिसिस कर दिया सर्टेनिटी के लिए कि हमें निश्चित अर्थ चाहिए. अब कहता है कि निश्चित अर्थ जैसी कोई चीज ही नहीं होती है. देखिए एक संदर्भ में जो निश्चित है दूसरे संदर्भ में अनिश्चित हो गया. किसी पुत्र वाले पिता से पूछना कि तुम्हारे कितने पुत्र है ये तो रिलेवेंट है, लेकिन मायामती से पूछना कि तुम्हारे कितने पुत्र हैं ये बेकार का प्रश्न है. ये कंटेक्स्ट ऑफ फ्री लैंग्वेज. विट्गेंस्टाइन कहता है कि प्रॉपर कंटेक्स्ट में शब्द का प्रयोग करना सीखो. एक ही शब्द का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में विभिन्न अर्थों के लिए होता है. सो द इंपॉर्टेंट इज नॉट मीनिंग, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशंस. और इसलिए विट्गेंस्टाइन कहता है कि डोंट think but look, look for meaning, not look for meaning but look for applications, look for usage. अब देखें जब इतनी बातें आई
तो विटगेंस्टाइन आइडियल लैंग्वेज को एक तरह से रिप्लेस करके और उसके स्थान पर ऑर्डिनरी लैंग्वेज की बात करता है, और यहीं से इसका प्रभाव ऑक्सफोर्ड में आता है। विटगेंस्टाइन के दो फेज हो गए, अर्ली फेज लेटर फेज। विटगेंस्टाइन अर्ली फेज में बियरर थियरी की बात करता है, न्यू लेवल एनालिसिस की बात करता है, लेकिन लेटर फेज में सेम लेवल एनालिसिस की बात और यूज थियरी की बात करता है। इसका प्रभाव ऑक्सफोर्ड में पड़ा। और दो तरह की ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी के दो स्कूल्स डेवलप हो गए। एक जहां कैम्ब्रिज में था, तो इसको कहा गया कैम्ब्रिज स्कूल्स ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी। ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ये है कि मूर वाज द फाउंडर ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी और विटगेंस्टाइन वाज द फाउंडर ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी। आप नॉर्मन माल्कन को पढ़ेंगे, नॉर्मन माल्कन का एक लेख छपा था मूर एंड ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी, उसमें कहता है कि नो सेंस मूर वाज द लीडर ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी। और यही बात एम क्विंटन लिखते हैं कि मूर नहीं ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी का जन्म दिया, क्योंकि वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज को मानता था, क्योंकि वो कॉमन सेंस नॉलेज को मानता था, इसीलिए उसने ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी का जन्म दिया। लेकिन ही वाज नॉट सिस्टमेटिकली डेवलप ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी, एंड ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी वाज सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली डेवलप बाय विटगेंस्टाइन इन कैम्ब्रिज आफ्टर 1929। उस समय इस परंपरा में बहुत सारे दार्शनिक थे। देखिए बाउस्मा, आंस्कोम, नॉर्मन माल्कन, लेजोविज, ये सब इसी परंपरा में थे, कैम्ब्रिज परंपरा में। लेकिन जब इसका प्रभाव ऑक्सफोर्ड पे पड़ा तो ऑक्सफोर्ड में उस समय जो चैंपियन फिलोसोफर थे वो थे जेल ऑस्टिन, पीएफ श्वासन, गिलबर्ट राइल, जीजे वर्नाक, नॉन जेओ आमसन, ये सब ऑक्सफोर्ड में थे और इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऑक्सफोर्ड स्कूल्स ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी। तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी में भी डेवलप इनटू टू डिफरेंट डायरेक्शंस। One is developed in Cambridge and supported by many other philosophers. The pioneer philosopher of ordinary language philosophy was Ludwig Wittgenstein. And later on, it was supported by many thinkers, not in Cambridge, but also in Oxford. So, ध्यान रखना कि Oxford में जो परंपरा develop हुई, उसका नाम पड़ गया Oxford Schools of ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी। अब आपके मन में एक समस्या आ रही है कि डेवलप हुई तो एज इट इज डेवलप हो गई कि कुछ समानता या असमानता थी। ध्यान रखना, देयर आर मेनी सिमिलरिटीज एज वेल एज मेनी डिफरेंसेस इन बोथ ऑफ द स्कूल्स। द सिमिलर पॉइंट इज both rejects the ideal language and support the ordinary language। दोनों ने ideal language को reject करके ordinary language की संभावना को स्वीकार किया। पहली दोनों में समानता थी। दूसरी समानता थी कि दोनों ने ही माना कि दार्शनिक समस्याएं भाषा जनित समस्याएं हैं। फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स आर बेसिकली लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स, इट इज नॉट एक्चुअल प्रॉब्लम्स, इट इज नॉट द प्रॉब्लम कंसर्न विथ रियलिटी, बिकॉज इट इज द ड्यूटी ऑफ
साइंटिस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रियलिटी. फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रॉब्लम्स. मोर ऑफ द फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू एम्बिग्यूटी ऑफ लैंग्वेज. इसीलिए इन लोगों ने साधारण भाषा को तो लिया और दोनों भाषा को लेकर के चले कि भाषा जनित समस्याएं ही दार्शनिक समस्याएं हैं. और तीसरी समानता दोनों में ये रही कि दोनों स्कूल्स ने तत्व मीमांसा का रिजेक्शन किया. एक चीज और, मैं चूंकि समय कम था इसलिए उसको मैंने किनारे कर दिया. इसी बीच में 1921-22 में एक नया मूवमेंट शुरू हुआ था जिसको लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहते हैं. और लॉजिकल पॉजिटिविज्म वो भी वियना में ही शुरू हुआ. उसको वियना सर्किल इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसका फाउंडेशन वियना में ही पड़ा था और उसमें बहुत सारे चैंपियंस थे. उसमें फिलोसोफर थे, उसमें साइंटिस्ट थे, उसमें मैथमेटिशियन थे. ये सब मिलकर के मूवमेंट शुरू किए थे. और लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो मूवमेंट था उसके दो टारगेट थे, इलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज. दीज टू गोल्स ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म, रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ साइंसेज. तो ध्यान रखना, रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा का निरसन करना केवल उसी परंपरा में नहीं था बल्कि यहां भी डेवलप किया गया. अब आपको एक मन में समस्या आ रही है, बस 5 मिनट और, कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है. यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. ऑक्सफोर्ड में कैम्ब्रिज के ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी को लिया गया बट नॉट इन टोटो. दे एक्सेप्टेड ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी विथ सम रिस्ट्रिक्शंस, विथ सम मॉडिफिकेशंस. क्या मॉडिफिकेशन हुआ? दो तीन मेजर इशू हैं. विटगेंस्टाइन जिस ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी को डेवलप किया कैम्ब्रिज में, वो मानता है कि फिलोसफी जस्ट लाइक मेंटल डिजीज विच रिक्वायर्स इट्स थेरेपी. दार्शनिक समस्याएं मानसिक व्याधि हैं. कैसी मानसिक व्याधि हैं? तो कहता है कि फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स आर जस्ट लाइक टू थ्रो द फ्लाई द वे आउट फ्रॉम द फ्लाई होटल. दार्शनिक समस्याएं, विटगेंस्टाइन कहता है कि ऐसे है जैसे कोई मधुमक्खी है वो बोतल में घुस गई है. सी डजंट नो वेयर इज द वे, उसी में भनभन रही है. उसको रास्ता दिखा दीजिए, समस्याएं खत्म हो जाएगी. नॉर्मन मालकन ने कहा विटगेंस्टाइन के संदर्भ में कि दार्शनिक समस्याएं विटगेंस्टाइन के अनुसार ऐसी थी जैसे कोई व्यक्ति किसी कमरे में फंसा हुआ है, वो चिमनी से निकलना चाहता है लेकिन चिमनी बहुत सक्रिय है, वो खिड़की से जाना चाहता है लेकिन खिड़की बहुत ऊंची है, रास्ता नहीं जानता रास्ता किधर से है. इसका मतलब क्या हो गया कि फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स आर बेसिकली मेंटल प्रॉब्लम्स. दिखाने की समस्या है. इसलिए विटगेंस्टाइन कहता है कि व्हाट इज योर एम इन फिलोसफी, टू शो द वे आउट फ्रॉम द फ्लाई बोटल. इसीलिए विटगेंस्टाइन ये भी कहता है कि फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स हैव द फॉर्म आई डू नॉट नो माय वे अबाउट. दार्शनिक समस्याएं ऐसी हैं जैसे मैं नहीं जानता कि रास्ता किधर है. सब कुछ है, रास्ता पता नहीं. यही मोक्ष मार्ग में होता है. सब जानते हैं कि आत्मा है लेकिन पता नहीं चलता कि आत्मा है कहां. इसीलिए विटगेंस्टाइन फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स को बेसिकली थेरेपी प्रॉब्लम कहता है, मेंटल डिजीज कहता है, और कहता है कि इनका समाधान कर दो तो समस्या समाप्त हो जाएगी. बेटे ध्यान रखना, ऑक्सफोर्ड में जिस ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी को डेवलप किया गया वहां कहा गया कि फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स आर नॉट मेंटल डिजीज बट ऑन द बेसिस
according to language philosophy, they solve the many problems of philosophy. For example, Gilbert Ryle आया है. Gilbert teaching religion था उसको reject किया और कहा कि ये problem वैसे है, this is the dogma of Ghost in the machine. Descartes ने लंबा इस पर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, माइंड बॉडी जो ड्यूलिज्म को लेकर के चला था, तो माइंड बॉडी ड्यूलिज्म में उसने मान लिया कि शरीर में विस्तार होता है और आत्मा में विचार होता है. और जहां विस्तार है वहां विचार नहीं, जहां विचार है वहां विस्तार नहीं. और अंत में क्या कहा कि उस माइंड को इस शरीर में केंद्रित कर दिया. जैसे शरीर हमारा यंत्र हो जिसमें आत्मा रूपी प्रेत उसको चला रहा हो, इसी को कहता है कि द डॉग्मा ऑफ घोष इन द मशीन. और इसी को गिल्बर्ट राइल कहता है कि हियर देयर इज कैटेगरी मिस्टेक. ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कैटेगरी मिस्टेक मींस माइंड एंड बॉडी लेवल्स ऑफ रियलिटी. एंड सिंस दीज आर two different levels of reality, you can't compare both at the same platform because their levels are different to each other. मन और शरीर के लेवल अलग अलग है, तो उन्हें एक लेवल पर ला के जब डिस्कस करेंगे तो आप प्रॉब्लम आ जाएगी. इसी को कैटेगरी मिस्टेक करता है. कैटेगरी मिस्टेक जानते क्या होता है? प्रोफेसर जे श्रीवास्तव साहब पूरी टीम के साथ मद्रास में गए थे, मद्रास यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस था, तो जय श्रीवास्तव साहब अपनी पत्नी के साथ भी गए थे. वहां पर पहले इतनी फैसिलिटी तो होती नहीं थी यूनिवर्सिटी में, वहां एक पूरा हॉल दे दिया और लिख दिया यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद. उसमें संगमलाल, प्रोफेसर संगमलाल पांडे, प्रोफेसर सी एल त्रिपाठी, प्रोफेसर जय श्रीवास्तव, जितने स्टालवर्ट थे सब गए थे, लेकिन पत्नी के साथ केवल प्रोफेसर जय साहब गए थे, श्रीवास्तव साहब. हमारे प्रोफेसर सी एल त्रिपाठी साहब संत आदमी, वो एक झोला भगवान लेके चलते थे, एक झोला. वो गए और अभी सब लोग देख ही रहे हैं तब तक वो अपना कपड़ा उतार दिए. पूरी तरह दिगंबर नहीं हुए, कुछ बचाए हुए थे. अब किसी के पत्नी के सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए दिगंबर होके बहुत बुरा लगेगा. वो तो तब महसूस होगा जब पत्नी हो और कोई दूसरा सामने खड़ा हो. मन करेगा मुंह में, इसके आंख में मिर्चा फेंक दे, इसकी आंखें जल जाए. तब प्रोफेसर जय श्रीवास्तव साहब ने कमेंट किया कि प्रोफेसर त्रिपाठी आप भूल रहे हैं कि यहां आप कैटेगरी मिस्टेक कर रहे हैं, यहां मेरी पत्नी भी है, भूल रहे हैं सब एक लेवल की सत्ताएं नहीं है. देखिए लेवल से अलग है, डिफरेंट कैटेगरी में है. हम डिफरेंट कैटेगरी में, बस नाम से करिएगा कि सब आत्मा का रूप है, फालतू बकवास नहीं. स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, दोनों को दो ये कैटेगरी मिस्टेक है. तो गिल्बर्ट राइल ने इस कैटेगरी मिस्टेक और कोच दोष करके माइंड बॉडी की जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन दिया, बिहेवियरिस्टिक थियरी, और कहा कि देयर इज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड, it is one expressions of our physical activities. उसी प्रकार पी एफ स्टासन ने किया. समय बहुत कम है, मैं आगे बढ़ रहा हूं. तो पहला तो अंतर यह हो गया. दूसरा अंतर यह था और सबसे महत्वपूर्ण अंतर कि विटगेंस्टाइन ने यूज की बात तो किया लेकिन यूज के ऊपर बल नहीं दिया. उसको यूज को एक्सप्लेनेशन नहीं करता है कि हम यूज की बात करें. और ये काम ऑक्सफोर्ड परंपरा में दार्शनिकों ने किया. जे लॉस्टिन की जो पुस्तक है फिलोसफिकल पेपर्स, जे लॉस्टिन जीवन में केवल पूरे जीवन में केवल 7 ही पेपर पब्लिश कर पाया था. 1911 में पैदा हुआ, 49 में मर गया. पूरे जीवन में 7 पेपर पब्लिश हुआ. 1961 में डेथ होती है. क्या चुचू चुचू कर रहे, मर गया, शरीर है, खत्म हो जाएगा. उसमें कौन ऐसे जो लग रहा है जैसे फूल कुमारी की तरफ बैठे हैं. सुन के क्यों पड़ जाओ, मर्मत स्वाभाविक धर्म है. एस्पिनोज़ा कहता है कि दिस इज नेचुरल प्रोसेस, हमें दुखी नहीं होना है. दो धन दो बराबर चार होता है, यह नियत है.
उसी तरह मरना नियत है। इसलिए स्पिनोजा कहता है कि मरने से नहीं डरना चाहिए, क्यों? इट इज नेचुरल प्रोसेस, दुखी भी नहीं होना चाहिए। दो धन दो बराबर चार होते हैं तो दुखी नहीं होते ना, और दो धन दो बराबर छह हो जाए तो दुखी होगा। उसी तरह मरना एक नेचुरल प्रोसेस है, दुखी नहीं होना चाहिए। मर गया चला गया, काम खत्म हो गया। तो जी उसके उसके तीन पेपर को और अनपब्लिश पेपर को लेकर के 10 पेपर 1961 में पब्लिश किया गया जी जे वर्माक और जे आमसन के द्वारा, और टाइटल दिया गया फिलोसफिकल पेपर्स। आप देखिए उस पेपर को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक एक आर्टिकल है, तो विटगेनस्टाइन लिखता है कि आवर कॉमन स्टॉक्स ऑफ लैंग्वेज देयर आर सो मेनी सबटल डिस्टिंक्शंस इन्वॉल्व which we can't understand to sit on easy armchair। हमारी भाषा साधारण भाषा इतनी सरल नहीं है, उसमें बहुत सारे सटल डिस्टिंक्शंस हैं, और हम आराम चेयर पर बैठ के समझना चाहें तो नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ध्यान रखना बेटे, इधर ध्यान देना, जो जेल ऑस्टिन आया उसने एक नई मेथड की बात किया, और उस मेथड का नाम दे दिया लिंग्विस्टिक फेनोमेनोलॉजी। स्टोरिक फेनोमेनोलॉजी होता है, मुंडेन फेनोमेनोलॉजी होता है, लेकिन स्टोरिक और मुंडेन फेनोमेनोलॉजी दोनों से अलग हट करके लिंग्विस्टिक फेनोमेनोलॉजी की बात किया। स्टोरिक फेनोमेनोलॉजी आप जानते हैं एडमंड रूसल की सिद्धांत, मुंडेन फेनोमेनोलॉजी में हाइडेगर वगैरह आ जाते हैं, लेकिन इन दोनों से हट करके देखिए लैंग्वेज का अपने आप में अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को वो लिंग्विस्टिक फेनोमोलॉजी कहता है। जब जेल ऑस्टिन लेक्चर देने जाता था तो अपने साथ 20 डिक्शनरी लेके जाता था, 10-15-20 डिक्शनरी, और जब लेक्चर देता था तो दिखाता था यहाँ ये शब्द का ये अर्थ है, यहाँ ये शब्द का ये अर्थ है, यहाँ ये शब्द का ये अर्थ। और इसीलिए जेल ऑस्टिन कहता है कि निकट फ्यूचर में फिलोसफी से एक और ब्रांच अलग होगा, वो है ग्रामर का, वो भी फिलोसफी से अलग हो जाएगा, जैसे मैथमेटिक्स अलग हो गया, जैसे फिजिक्स अलग हो गया, जैसे साइकोलॉजी अलग हो गया, जैसे एजुकेशन हो गया, ये सब उसके बेटी हैं। साइकोलॉजी इज द बेटी ऑफ फिलोसफी, छोटी सी फिलोसफी, मैथमेटिक्स ऑफ फिलोसफी, दे ऑल सेपरेटेड फ्रॉम फिलोसफी इन लॉन्ग स्पेल in the same pattern a new science will be emerged from philosophy। और इस प्रकार ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी दोनों ही रही। आजकल जो नया ट्रेंड डेवलप हुआ है वो पोस्ट मॉडर्निज्म का ट्रेंड डेवलप हुआ है, वो एज ए फैक्ट एनालिसिस तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एनालिसिस दूसरे तरह का एनालिसिस है जिसमें नाम चामस्की है, सबसे बड़ा चैंपियन तो डेरिडा है, जैकब डेरिडा, जिन्होंने एक नई तरह की फिलोसफी का जन्म दिया। लेकिन आज मैं यहीं पर अपने लेक्चर को विराम कर रहा हूं, अब फिलोसफी से आपको बता दूं कि फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज से अब टर्म हट करके लोगों की फिलोसफर्स की रुचि अब कॉन्शियसनेस की ओर स्टडी में ज्यादा लगी हुई है रेदर देन लिंग्विस्टिक एनालिसिस। थैंक यू, मैं प्रोफेसर मिश्रा जी को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और सभी मित्रों को धन्यवाद करूंगा, डॉक्टर बालेश्वर जी को धन्यवाद करूंगा जो अच्छे से संचालन कर रहे हैं, सभी को धन्यवाद, अपने प्यारे बच्चों को धन्यवाद जिन्होंने इतने धैर्यपूर्वक इतने उबाऊ लेक्चर को सुना जिसकी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि फिलोसफी में दिखता कुछ नहीं है, जब दिखेगा नहीं तो होगा कैसे, होने के लिए दिखना चाहिए, और यहां दिखता कुछ है नहीं, ना तुमने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, यही फिलोसफी का हाल है। लेकिन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल फिलोसफी, इसको दो भाग में आपने बहुत ही सरल और अपने पॉपुलर स्टाइल में समझाने का प्रयास किया। सभी ऑडियंस और अपने तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सर, और इसी के साथ डॉक्टर राहुल कुमार मौर्य जी को आमंत्रित करते हैं ताकि एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक प्रपोज करें।
Thank you, sir, for giving me this opportunity to thank our speakers and the audience. So I would like to begin by thanking Professor Rishikant Pandey, sir, who has taken all that pain to travel from Allahabad to this university. And he has spoken at length. And the more interesting fact that he has really presented his talk in a very interesting and a lucid language. And I think all of us have truly enjoyed. So we don't have enough words to thank you for such a wonderful presentation that you made. And I'm sure that our students have immensely benefited from your talk. And I would also like to thank our head of the department, who has always been instrumental and a motivational force behind all kinds of academic activities that we take up in this department. So thank you so much, sir. Next, I would also like to thank the convener of this talk, Dr. Balesh Prasad Yadav, who has very nicely organized this entire talk. So thank you so much, sir. I would also like to thank the veterans of this department, who has always been there to encourage us. And it is their presence that make us fulfilling in our activities. I would also like to thank Professor R.K. Jha, sir, Professor S.P. Pandey, sir. And in the first talk, I have seen Dr. Grace Darling was also there, Dr. Kalpana Yadav was also there, and Professor Durgesh Chaudhary is also there. So thank you all for being here and making this event successful. And at the last, I would also like to thank all our students and research scholars, without whom we cannot carry forward any such activities. So thank you all once again. Thank you one and all, everyone. Thank you so much. प्रश्न आज नहीं रखा गया है, समय नहीं बचा है, इसलिए तो इसी के साथ इस सत्र की संपूर्ति की घोषणा की जाती है।